दोस्तों सब्सक्राइब करें टॉप वर्ल्ड वाइड क्रिकेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। रोहित बने मैन ऑफ द सीरीज, मिली इतनी बड़ी रकम, समी उमेश और रहाणे भी हुए मालामाल, तो किसे कितना पैसा मिला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में भी भारत ने जीत हासिल कर ली है। भारत ने ये मैच एक पारी और 202 रनों से जीत लिया है। मैच की पहली पारी में रोहित शर्मा के दोहरे शतक की मदद से 497 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 162 रन ही बना सकी। इसके बाद दूसरी पारी में भी दक्षिण अफ्रीका मात्र 133 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। मैच में जीत के साथ ही भारत ने अब इस सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। मैन ऑफ द मैच भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने 112 रनों की पारी खेली, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इसके लिए रोहित को 1,00,000 रुपये का चेक दिया गया। वहीं मैन ऑफ द सीरीज के लिए रोहित शर्मा को चुना गया। रोहित शर्मा ने इस सीरीज में 529 रन जोड़े थे, इसके लिए उन्हें 2.5 लाख रुपए का चेक दिया गया। पेप्सी स्वैग स्टार ऑफ प्लेयर, इसके लिए मोहम्मद शमी को चुना गया। शमी ने इस मैच में कुल 5 विकेट हासिल किए, इसके लिए उन्हें 1,00,000 रुपए का चेक दिया गया। अंबुजा अटूट जोड़ी, इसमें रोहित शर्मा को अजिंक्य रहाणे के साथ चुना गया, इसके लिए दोनों को 1,00,000 रुपए का चेक दिया गया। इसके अलावा ड्रीम 11 गेम चेंजर, इसके लिए उमेश यादव को चुना गया। यादव ने पहली पारी में 31 रन बनाने के साथ ही कुल 5 विकेट भी हासिल किए, इस खिताब के लिए उन्हें 1,00,000 रुपए का चेक दिया गया। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। क्रिकेट की अन्य तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।